सुपर कोचिंग लेकर आ रहा है सिविल सेवा स्पेशल सेल उन्नीस और बीस नवम्बर को जहाँ पर आपको फिफ्टी परसेंट तक का ऑफ मिलेगा यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम पर तो देर किस बात की अभी जाइए सुपर कोचिंग पर और अपने सपनों को पूरा कीजिए तारीख नहीं भूलिएगा उन्नीस और बीस नवम्बर हेलो गाइज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स बुक ई पी पक सो जल्दी से आइए फटाफट जैसे ज्वाइन करते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कोई आपको दिख नहीं रहा देखिए ध्यान से दिख रहा होगा आप लोगों को <coughs> एक बार देखिए ध्यान से हर को दिख रहा होगा सो गुड मॉर्निंग आशीष गुड मॉर्निंग गरिमा गुड मॉर्निंग मीनल और गुड मॉर्निंग बालमुकुंद गुड मॉर्निंग प्रसाद राइट चलो बढ़ते हैं हम लोग सेशन की तरफ ये आपका रिवीजन है एक साल का और रैपिड फायर क्वेश्चंस का रिवीजन है इसमें तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे क्योंकि दो घंटे का आपका सेशन है दो घंटे के सेशन में अगर हम पूरे साल का करंट अफेयर्स रिवाइज करने बैठे तो पूरे साल के करंट अफेयर्स में होता क्या है कि हम अगर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन हाँ क्वेश्चन जो है वो हम लोग फटाफट कर सकते हैं रिविजन के तौर पर और ये फटाफट रिविज़न ही कहलाएगा क्योंकि एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कम से कम आपको दस बारह घंटे चाहिए होंगे कम से कम एक दो घंटे में आपका एक साल घंटे पैसा पढ़ना नामुमकिन होता है तो इस वजह से क्वेश्चन जो है ना वो जितना कर पाएंगे उतना करेंगे क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग पढ़ पाएंगे वरना तो कवर ही नहीं होगा एक महीने का कवर भी होना मुश्किल होता है दो घंटे में फैक्ट ही है राइट चलिए ठीक है क्लियर चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ और सुपर कोचिंग यूपी पे आप लोगों का सुपर टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए जैसे कि अभी सिविल सर्विसेज क्या चल रही है सिविल सर्विसेज का अभी हाल ही में क्या चल रहा है सेल चल रही है राइट right? तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग बाकी आप लोगों को अगर यूपी के एग्ज़ाम देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट यू पी लेखपाल यू पुलिस कॉन्स्टेबल एंड द यू पी टे लेट हो गया आपका हाँ या लेट हो गया वो एक्चुअली मेरी स्टूडियो कहीं और लगा था फिर वहाँ हो नहीं पाया मतलब एक जगह पे दो हमारे दो स्टूडियो है ना एक यहाँ से चार पाँच किलोमीटर दूर है तो रात के काफ़ी लेट पता चला कि वहाँ पर क्लास लगी हुई है तो फिर पहले वहाँ पहुँचा सुबह 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 ऑटो मिलना मुश्किल होता है थोड़ा सा वहाँ पहुँचा वहाँ पहुँचा तो पता लगा लॉक लगा हुआ है स्टूडियो ओपन ही नहीं है किसी को इन्फॉमेसन ही नहीं है फिर वहाँ से फिर सुबह सुबह कॉल करो सुबह उठाता भी नहीं है संडे को कोई फिर पता चला कि नहीं वहाँ से नहीं लेनी है फिर यहाँ से क्लास लेनी है दूसरे स्टूडियो से फिर वहाँ से होके फिर ऑटो को आगे फिर यहाँ आया तो इस वजह से क्या हुआ थोड़ा सा थोड़ा सा जानते लेट हो गया राइट क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं बाकी आपका आगे बढ़ देंगे आपको कई सारे वीडियोज़ मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर और इसी के साथ आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे और अलग अलग फेमस फैकल्टीज जो हैं बढ़िया आपके ऑनलाइन कोचिंग से वो आपको पढ़ाएंगे भी राइट ठीक है और कोर्स में आपको जो कोड लगाना है मेरा वो कोड बहुत ही सिंपल सा है ए कोड लगाएंगे आप अगर कोड लगाएंगे आप ए तो आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा राइट ए पी एस आप कोड लगाएंगे तो इसके तहत आपको क्या मिल जाता है ऑफ मिल जाएगा वो भी फिफ्टी फाइव परसेंट का सीधे सीधे ऑफ मिलेगा पहली बात तो ये ठीक है ठीके? अगला ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं गुड मॉर्निंग आगे बढ़ेंगे चलो टेस्ट को कैब देनी चाहिए आपको <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं कैब हाथी घोड़ा कुछ नहीं है चलो भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच निम्नलिखित में से किसके साथ स्कूली भोजन में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता परियोजनाओं बड़ा को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं एन एग्रीमेंट हैज हैजिन साइन बिटवीन द वर्ल्ड

नोट करेंगे ठीक है इसमें देखो स्कूली भोजन में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मतलब जो स्कूली में भोजन बन रहा है वो सफाई से बने हाँ अच्छे से बने क्वालिटी इम्प्रूव हो और उसमें जो जो आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू हो वो इम्प्रूव हो तो उस सबको देखते हुए खाना जो है अभी क्या हो रहा है कि जो टीचर्स जा रहे हैं गवर्नमेंट टीचर्स जो जा रहे हैं वो खाना खुद ही बनवाते हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है खाना बनवाने के लिए तो कई सारे टीचर्स हैं जानने वाले बोलते हैं कि यार खुद भी खाना होता है तो इसलिए अच्छा ही बनवा लेते हैं और कभी कभार खीर बनती है या कोई अच्छा खाना मिलता है तो उसको पैक करके घर ले जाते हैं सबसे सही जॉब अगर वाकई में तैयारी करने के लिए अगर कोई है सही बता रहे हैं अगर आराम की जॉब चाहिए तो टीचिंग से अच्छी प्राइमरी ये टीचर नहीं जो हम लोग पढ़ कर रहे हैं ये तो बहुत एक्टिव मतलब बहुत वैसी है वैसा काम है राइट प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है ना उसकी जॉब भाई साहब बहुत ही आराम वाली है सच बता रहा हूँ आराम से हाँ संडे मना रहे होंगे सैटरडे अलग से मनाते हैं दिवाली मनाते हैं होली मनाते हैं हैं गर्मियों में अगर लू चल जाए थोड़ी सी तो एक महीना की छुट्टी हो जाती है सर्दियों में ठंडी से ज़्यादा हो जाए तो पच्चीस दिन की छुट्टी हो जाती है आराम से आलू भून भून के खाते हैं ठीक <laughs> है होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर ले, ले लेते हैं होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और सुबह जाओ दोपहर चले आओ आराम से बाइक चलाते हुए मस्त ठीक है पचास आठ से साठ हज़ार से सैलरी से स्टार्टिंग होती है थोड़े दिन थोड़े दिन रहे पाँच छः साल आठ दस साल तो एक लाख अस्सी नब्बे हज़ार पहुँच जाती है हेडमास्टर बन गए तो एक लाख सवा लाख पहुँच जाती है सैलरी मस्त जॉब है बाबा बिल्कुल मस्त जॉब है फिर आराम से टीचर भी ढूंढ दो भाई शादी करने के लिए तो भाई तुम्हारे हो ही जाता है आजकल तो टीचर मिल जाता है मस्त आराम से मियाँ बीवी दोनों पढ़ाओ आराम से शाम को अपना कोई कोचिंग खोल लो कोचिंग खोल लो वहाँ पढ़ाओ अगर अच्छा पढ़ाने में हो तो नहीं तो अपना तैयारी करो अगर कर फिर से एस की तो तैयारी करो तो जो लोग भी बी टी सी वगैरह पे हैं या बी एड वगैरह कर रहे हैं वो लोग एक बार इसको सी टी वगैरह और जो टी टी वगैरह है उसको अच्छे से दें और जॉब पकड़ने तैयारी करने के लिए मतलब मस्त जॉब है बिल्कुल मस्त है कहीं ट्यूशन पढ़ाने में जाओगे दो तीन घंटा के लिए तो भी चार पांच घंटे चले जाएंगे ठीक है वेरी गुड आगे बढ़ते हैं फिर यहां से जनवरी 2022 में किसने रियर एडमिरल शिव कुमार से नौसेना का डॉक यार्ड मुंबई के एडमिरल अधीक्षक के रूप में कारोबार ओवर चार्ज एज द एडमिरल सुपरिटेंडेंट ऑफ द नोवल डॉक यार्ड मुंबई फ्रॉम द रियर एडमिरल बी शिव कुमार इन द जनवरी 2022 ठीक है तो जनवरी 2022 हज़ार बाईस में कार्य संभालाता लेकिन अभी आ, जो अपॉइंटमेंट आते हैं मैं आपको बता दूं जनवरी के अपॉइंटमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं आप लोगों को अगर आपका एग्ज़ाम जैसे दिसंबर आ गया है दिसंबर को एग्ज़ाम आपका अगर हो रहा है या जनवरी में कोई एग्ज़ाम है तो यार आ, लास्ट जनवरी का अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट जो पढ़िएगा अपॉइंटमेंट हुए और जो जो भी आपके सी वगैरह बनते हैं कंपनीज़ के हेड चेंज होते हैं ये छः महीने के बाकी आपका जो गवर्नमेंट वाला डेटा है वो एक साल का बता रहा हूँ मैं आपको तरीका क्या होता है स्कीम्स जो हैं वो एक साल की पढ़ा करो गवर्नमेंट की जो भी योजना है वो एक साल की पढ़ा करो आर जो इकोनॉमिक जो आपकी करंट अफेयर्स होता है आर्थिक वाला वो तीन महीने का पढ़ा करो रिसेंट तीन महीने का और जो इस तरीके होते हैं अपॉइंटमेंट हाँ अपॉइंटमेंट वगैरह एम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह ये छः महीने का पढ़ा करो तो ये तरीका होता है करंट अफेयर्स को पढ़ने का ये नहीं सब एक साल का पढ़े जा रहे हैं कोई मतलब नहीं उसका ठीक है आगे बढ़ेंगे चलो तीस को सर तीस को है मतलब तीस को है मतलब समझा नहीं कौन है तीस को भाई से आपका के पी अरविंदन ठीक है आगे के पी थे पर ऑपरेशन खात्मा देखो ऐसे सवाल अच्छा। ये सदाबार होते हैं पूरे एक साल चलते हैं ऑपरेशन खात्मा नामक एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है न्यू बुक टाइटल्ड ऑपरेशन खात्मा हैज बिन ऑथर्ड बाय द हु तो आर सी गंजू फिर अश्विनी भटनागर फिर दुर्जोय दत्ता फिर बोथ बन एंड टू फिरंग त्रिपाठी पढ़ते टाइम भेदभाव नहीं सब पढ़ते हैं हम वेरी गुड बोथ एंड भी इज द दोथ एंड भी तुम लोग बोथ एंड भी लगाते हो बट आंसर सही है यहाँ पर ठीक है बोथ एंड भी राइट आंसर तो यहाँ पर जो ऑपरेशन खात्मा जो है आपका एक नई पुस्तक जो है वो आर सी गंजू के द्वारा और अश्विनी भटनागर के द्वारा जो है वो लिखी लिखी गई है ये आपका वन एंड द टू ठीक है आगे बढ़ेंगे वेरी गुड सही जा रहा हूँ अगला इन जनवरी दो हजार बाईस इंडिया एंड इंडिया एंड द विच हैव एक्सटेंडेड एग्जिस्टिंग साइंस एंड देशन फॉर थ्री मोर इयर्स जनवरी 2022 में भारत और किसने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है श्रीलंका थाईलैंड वियतनाम मालदीप जय हिंद उत्कर्ष सुबाद जय हिंद श्रीलंका फिर आपका हो जाएगा से चलो भाई श्रीलंका थाईलैंड वियतनाम एंड द मालदीव <laughs> सॉरी तो आंसर होगा बैठा यहाँ पर श्रीलंका ठीक है तो भारत और श्रीलंका ने मौजूदा विज्ञान देखो क्यों क्योंकि इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को हेल्प करेगा नहीं करेगा तो कोई और कंट्री करेगी पड़ोसी के घर में आपका दुश्मन नहीं बैठना चाहिए वो आपके घर में झाँकता रहेगा कि आपके घर में क्या चल रहा है कौन रह रहा है आपकी कमजोरियों को पता करता रहेगा तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि पड़ोसी जो अपने हों उनसे बना के रखनी चाहिए ताकि और जो आपके दुश्मन हो अगर दुश्मन है तो वैसे तो ऐसे तो कोई जरूरी नहीं होता है बट इंडिया के दुश्मन तो काफ़ी एक दो हैं दुश्मन अच्छे अच्छे वो झाँकते झाकते रहते हैं पाकिस्तान के थ्रू फिर आपका इधर नेपाल के थ्रू भूटान के थ्रू हाँ इसके अलावा श्रीलंका के थ्रू ठीक है तो उनके लिए है वेरी गुड <coughs> सर मी माताला मेरा पेपर तीसला मज़ा पेपर आएसा चल तीस को आपका पेपर है चलिए माजा पेपर आएसा आपका पेपर आ रहा है तीस तारीख को ठीक है अच्छी बात है ठीक है चलो इतनी तो मराठी आ गई है मुझे अगला क्वेश्चन कन्नड़ कबीर की पहचान अर्जित करने वाले इब्राहिम सुधार का फरवरी 2022 में निधन हुआ था उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो इब्राहिम सुधार है हमारे और कन्नड़ कबीर इनको रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ था कन्नड़ कबीर ठीक है तो इधर आप नोट करेंगे यहाँ पर सोलह सत्रह अठारह उन्नीस सोलह सत्रह अठारह उन्नीस तो ये देखिएगा इनको पद्मश्री मिला था आपका दो हज़ार अठारह में टू थाउजेंड एटीन में मिला था वेरी गुड पंकज पांडे गुड मॉर्निंग प्रशांत ने दो हज़ार उन्नीस दिया है अभी तो जनवरी चल रहा है तुम तो लोगों की अभी हवा ना थोड़ी सी उड़ी रहेगी टेंशन ना लो ठीक आगे बढ़ते हैं इसके अलावा देखते हैं इधर क्वेश्चन देखेंगे अ कॉन्टीजेंट ऑफ द हाउ मेनी मेम्बर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रीच चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द सिंगापुर इन फरवरी दो हजार बाईस टू पार्टिसिपेट इन द सिंगापुर एयर शो दो हज़ार बाईस भारतीय वायुसेना के कि कितने सदस्यों को एक दल सिंगापुर एयरसो दो में भाग लेने के लिए फरवरी दो में सिंगापुर के चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा चलो चंगी हवाई अड्डे पर पहुंचा आपका तो थर्टी एट फोर्टी फोर फिफ्टी एंड फिफ्टी सिक्स चलो कोई बात नहीं मेरे लाभ बोल सकती है मैं समझ लूंगा मराठी में ठीक है मराठी अच्छी लैंग्वेज है वैसे तो थर्टी एट फोर्टी फोर फिफ्टी एंड द फिफ्टी सिक्स तो आंसर क्या हो जाएगा फोटी फोर राइट चलो मतलब मुझे लैंग्वेज थोड़ा सीखने का शौक रहता जैसे भोड़, भोड़ है जैसे भोजप मुझे भोजपुरी है मतलब अगर भोजपुरी मेरे सामने कोई बोले मैं समझ जाऊँगा सीख देता हूँ और थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ भोजपुरी तो बिहार की लैंग्वेज मैंने अच्छे से थोड़ी सी मतलब इंटरेस्ट दिखाया सीखी हुई है थोड़ी सी हरियाण भी जो आती है वो भी थोड़ी सी मुझे टच है मुझे उसका भी और इधर आपकी चलती है जो आपकी क्या नाम है आपका कन्नड़ कन्नड़ पूरी आती है राइट और अब इधर आया तो इधर मराठी आ गई तो ये भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तो पाँच स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अब अगर इंडिया में रह रहे हो अगर इंडिया के लोगों की भाषा आपको नहीं आ रही है तो आनी चाहिए राइट तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आज से आता है कि इन फरवरी दो हज़ार बाईस हु वाज रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द इंडिगो एंड इज़ प्लानिंग टू कट हिज टेक इन द एयरलाइन ओवर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स फरवरी दो हज़ार बाईस में किसने इंडिगो के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है और अगले पाँच वर्षों में एयरलाइन में अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रहा है इंडिगो फ्लाइट जो है अच्छी फ्लाइट रह, रहती है काफ़ी राइट इंडिगो की ठीक है और इसमें एयरलाइन में अपनी हिस्सेदारी घटाने की क्या बना रहा है योजना बना रहा है <coughs> तो वो हो जाएंगे हमारे कौन बेटा यहाँ पर राकेश गंगवाल तो राकेश गंगवाल जी ने ऐसा ऐसा किया हुआ है तो हो गया है तो चीज़ राइट चलो भाई हाँ गरिमा हैप्पी बर्थडे यार हैप्पी बर्थडे गरिमा ठीक है दुबे जी जन्मदिन दुबे जी अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आगे बढ़ते हैं वो हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू सी ईओ ऑ ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एन ई जी डी इन फरवरी दो हजार बाईस तो फरवरी दो हजार बाईस में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन एन ई जी डी के नए सी ईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है किया गया था अब तो था हो जाएगा अभिषेक सिंह ओम प्रकाश गुप्ता उदित सिंगल या फिर अरुण गोयल बताओ बेटा बताओ बड़ा जल्दी से आंसर दो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका अभिषेक सिंह इज द राइट आंसर ठीक है अभिषेक सिंह इज द करेक्ट आंसर ठीक है ई गवर्नेंस डिजन एन ई जी डी इसके सी ओ बनाए गए हैं व्हाट इज द ई गवर्नेंस कभी सोचा ई गवर्नेंस क्या होती है ई e गवर्नेंस का मतलब होता है देखेंगे कि ई e गवर्नेंस क्या होती है ये देखिएगा व्हाट इज द ई गवर्नेंस तो ई गवर्नेंस क्या होती है जैसे पहले क्या होता था जो प्रशासन आपका हो रहा है वो रजिस्टर पे हो रहा है ठीक है रजिस्टर पे चल रहा था रजिस्टर पे चल रहा था कागजों पे चल रहा था कोई भी आपका कागजों पर चल रहा था ठीक है बैंक में इसके अलावा ऑफिस में दफ्तर में हर जगह आप क्या कर रहे हैं जो प्रशासन को कागजों से उठाकर किस पे लेके आ रहे हैं उस पे लेके आ रहे हैं कंप्यूटर पे लेके आ रहे हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है ई e गवर्नेंस और ई e गवर्नेंस के फायदे क्या क्या है ई e गवर्नेंस में देखो पहले क्या होता था जैसे सपोज डेट की कोई वैकेंसी निकली और उसकी नियुक्ति होनी है तो पहले क्या होता था कि मंत्री मंत्री और जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे भाई साहब इन्होंने इतना पैसा कमाया है इतना पैसा कमाया कमाया है इतना पैसा कमाया है कि बता नहीं सकता हूँ भाई इसको ज्वाइनिंग दे डाली उसको ज्वाइनिंग दे ली बोला कि पाँच करोड़ तुम ले दे मतलब पाँच लाख दस लाख दे दो तो, जाओ आराम से तो कई बार ऐसा होता था कि जो बोर्ड होता था बोर्ड लिस्ट बनाता था सिलेक्शन की ये कि भाई ये हमारे कैंडिडेट हैं हज़ार इनका सिलेक्शन कर ये सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ नाम नहीं लूँगा पार्टी का और आ, उन लोगों का राइट तो बनाई लिस्ट उन्होंने तो मंत्री यंत्री क्या करते थे पूरी लिस्ट ही हटा देते थे कि ये क्या लिस्ट बनाया उसमें हमारे लोग तो हैं ही नहीं तो सारे मंत्रियों के अलग अलग लोग सेट किए जा रहे हैं उसमें ये चलता था सच बता रहा हूँ अभी तो तब भी बहुत सही है अब क्या और अब ई गवर्नेंस आ गया है रिजल्ट आया बोर्ड ने अपलोड मार दिया अब उसमें ना तो कोई मंत्री कुछ कर सकता है ना कोई संतरी कुछ कर सकता है समझे हाँ या ना तो ऐसा ऐसा हो गया आप अब जैसे बैंक में हैं कोई भी काम है तो आप खाता जो है तुरंत आप देख सकते हो पहले अगर आपको अपने अकाउंट पैसा देखना होता था बहुत पहले बता रहा हूँ तो आप जाते थे बैंक में इतना मोटा रजिस्टर होता था उस रजिस्टर में फिर पलट के देखा जाता था आपका नाम अच्छा इतने बचे हुए हैं पासबुक में एंट्री की जाती थी हाँ टाइप करके तो ये सब चलता था बहुत बहुत पहले अभी क्या है अभी तो चीज़ें चेंज हो गई काफ़ी तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ऊपर से सरकार का जो दायित्व है सरकार की जो चोरी है वो सबके सामने आएगी आर राइट टू इन्फॉर्मेशन उसमें सहायता मिलेगी बहुत सारे फायदे होते हैं ई गवर्नेंस के ठीक है जब भी कभी आप पी वगैरह आप लिखोगे अगर आई लिखोगे तो वहाँ पर ई गवर्नेंस का एक क्वेश्चन आना तो तय है और ये आपको सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है जो मैंने बताया अभी आपको ये सब पढ़ाया जाएगा ठीक है क्या फायदे हैं कैसे इसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं ठीक है सरकार की योजनाएं सरकार की योजनाएं ई गवर्नेंस से अच्छे से जा सकती हैं इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे मनरेगा वगैरह है पहले पैसे जाते थे तो वो पैसे डायरेक्ट मजदूरों को नहीं मिलते थे जो काम करा रहा है उसको मिल रहे हैं फिर मजदूरों के पास जा रहे हैं अभी क्या है जनधन अकाउंट खुल गया है तो सबके पास पैसे अपने आप जा रहे हैं सब्सिडी वाले पैसे अपने आप जा रहे हैं ऑनलाइन तो ये ई गवर्नेंस है राइट चलो आगे बढ़ते हैं फिर आपको आता है एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के आपके एक एकस्ट्रियन एक एक एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन बन गए हैं बताओ बेटा जल्दी से फटाफट बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा चलो संदीप कुमार लगाओ लगाओ तुक्के लगाओ आज तुम लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका शशांक सिंह कटारिया तो शशांक सिंह कटारिया एशियाई खेलों के टायर में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के एक स्टेन एथलीट हुआ करते थे मतलब हैं ठीक है एकमात्र नागरिक बने हैं इंडिया के और इसी साल में बने हैं राइट ये फरवरी के आसपास की बात है ठीक आगे देखते हैं विद स्टेट विल लॉन्च डूर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटलाइज लैंड डॉक्यूमेंट्स, इंक्लूडिंग खतियान एंड मैप इन द स्टेट कौन सा राज्य राज्य में और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा डोर स्टेप डिलीवरी बिहार महाराष्ट्र तमिलनाडु, केरला चलो भाई मैंने पढ़ाया नहीं जनवरी का प्रशांत कैसी बात कर रहे हो ध्यान से अगर सेशन याद करो तो उसमें जनवरी भी पढ़ाया हुआ है महाराष्ट्र आंसर क्या हो जाएगा आपका बिहार तो बिहार ने मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेज जो कि डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है वो हो जाएगा कौन सा बिहार हो जाएगा इसके अलावा 16 डिजिट का कोड जारी किया है एक गवर्नमेंट ने और भूमि को जैसे कि लोग पहले ये होता था कि कौन सी भूमि कौन सी हमारी है तो आगे पीछे हो जाती थी तो सोलह डिजिट का कोड दिया है किसने कौन सी गवर्नमेंट ने ये भी कभी कभार आप लोगों से पूछ दिया जा सकता है सोलह डिजिट का कोड और सोलह डिजिट का कोड देने वाली गवर्नमेंट कौन है आपकी जमीन को भोग हो जाएगी कौन सी यूपी अपना यूपी उत्तर प्रदेश तो ये यूपी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ये यूपी हो जाएगा समझे तो दिस इज कॉल्ड द यूपी ठीक इसे यूपी ने दिया है अगर आपसे पूछा जाए हाँ यूपी में दिया गया है नहीं बिहार में तो ये है यूपी में सोलह डिजिट का कोड है ये सोलह डिजिट का कोड आखिर है क्या ये एक्चुअली में आपके जो आपका जो जो क्या बोलते हैं लैंड होती है उस लैंड का क्या बोलते हैं वो वो एक कॉर्नर होते हैं तो जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस में लिखते हैं चार डिजिट का एक कोऑर्डिनेट होता है तो चार को क्या हो गया सोलह हो गया क्लियर आगे बढ़ते हैं और हु क्रिएटेड हिस्ट्री द स्कोरिंग अ हाफ सेंचुरी इन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द ऑन गोइंग ऑकलैंड ऑकलैंड में क्रिकेट विश्व कप में वो भी महिला का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्थशतक बनाकर इतिहास किसने रचा इतिहास कौन रचा यहाँ पर तो यहाँ पे मिथाली राज या फिर स्मृति मधाना या फिर हरमनप्रीत कौर या फिर स्नेह राणा इनमें से आंसर आपका क्या होगा बताओ मिथाली राजाना आंसर पर बैठा मिथाली राजी तो राज ने क्या रखा है सन्यास ले लिया है क्रिकेट के सारे प्रारूपों से और इसी साल लिया सन्यास इन्होंने अभी कमेंट्री करती दिखी थी अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा था तो उसमें कमेंट्री करती हुई दिखी कमेंट्री इन द सेंस कि जो वहां पर बैठते ना ऑफिस में थर्ड फोर्थ एंपायर जिसको बोलते हैं अं� राइट वहां पर दिखी थी राइट आगे बढ़ते हैं इन मार्च 2022 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एंड द एग्रीमेंट टू स्टेब्लिश ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन इन द विच स्टेट तो मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जरा बताएं फटाफट तो आ जाएगी मिथाली राज नहीं बिता बुध पिछले सवाल का था, तो था बेटा सोनम देवी गुस्जो आंसर जाके बेटा यहाँ से गुजरात ये देखो तुक्का सही गया प्रशांत का यहाँ प्रशांत ने तुक्का एकदम सही लगाया क्योंकि जॉब मैक्सिमम योजना जो गई है गुजरात में गई है तो क्वेश्चन ना आ रहा हो और ऐसा कोई क्वेश्चन हो दो हजार बाईस का खासकर तो गुजरात लगा देना ये तो मैं भी बोल रहा हूँ ठीक है गुजरात में बहुत क्वेश्चन बनेंगे इस बार ठीक है आगे बढ़ेंगे अप्रैल दो में किस राज्य ने नंदनी छीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है तो नंदनी छीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक इन द अप्रैल दो गोवा गुजरात तेलंगाना कर्नाटक गोवा गुजरात तेलंगाना एंड द कर्नाटक नंदनी छीरा छीरा शगारी बैंक की स्थापना की है 2022 में तो यहाँ पर बच्चे लगा रहे कर्नाटक लगा रहे हैं पंकज ने बात को सीरियस लेके गुजरात लगाया हुआ है और आंसर है यहाँ पर कौन सा कर्नाटक है वेरी गुड <coughs> बच्चों को पता है इसका मतलब प्रशांत ने दिया इसका आंसर कर्नाटक चलिए अब देखिए आगे कि सात अप्रैल 2022 को डी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का ग्यारहवा संस्करण किसने जीता तो वो बंदा 11th एडिशन ऑफ द डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑन सात अप्रैल 2022 दीपिका कुमारी मनु भाकर अदिति अशोक या फिर जिया हरिया जादौन या इनमें से कोई नहीं बताएं। तो बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं अशोक अशोक आंसर दे रहे हैं आंसर को पे बेटा रिया जादौन राइट रिया जादौन इज द राइट आंसर रिया जादौन एक अब कौन आता अभय आता ना अभय जादौन आता है क्लास क्लास में तो रिया जादौन इज द राइट आंसर ठीक है आगे देखते हैं सोलह अप्रैल दो हज़ार बाईस को एक मील का पत्थर छः महीने का मिशन पूरा करने के बाद कितने चीनी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे दो तीन चार पाँच दो तीन चार पाँच सोलह अप्रैल दो हज़ार बाईस को एक छः महीने के बाद मिशन पूरा करने के बाद कितने चीनी ची अचीपति पर लौटे जरा बताइए छह महीने के मिशन पे गए थे लोग और वो लौटे थे कितने बेटा यहाँ पर तीन लोग लौटे थे ये तो क्वेश्चन आपको याद होगा राइट आगे बढ़ेंगे यहाँ पर वो ऑर्गेनाइज दील्ड दो हजार बाईस इन द अप्रैल दो हजार बाईस अप्रैल दो हजार बाईस में लॉक्ड सील्ड दो हजार बाईस का आयोजन किसने किया ने किया या फिर आशोच ने किया या फिर नीति आयोग ने किया या फिर सी सी डी सी ओ ने किया जरा बताएं वो ऑर्गेनाइज द लॉक्ड सील 2022 इन द अप्रैल 2022 नीति दो हजार तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फुल फॉर्म इसकी जो है सी सी की आप लोग क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ठीक है क्लियर चारों फुल फॉर्म मुझे चाहिए आप लोगों से क्लास के बाद ठीक आगे देखते हैं कौशल विकास योजना जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडी ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड बोलते हैं -E. साइन किया है कौन सा? एक <coughs> तो H -L, भेल, सेल. तो सेल से क्या हो हो जाएगा 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 इसका बेटा? बेटा इधर ठीक है आगे डेलीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इज गोइंग टू विजिट विच प्लेस फ्रॉम मे मई आठ टू ग्यारह दो हजार दो हज़ार बाईस तो मई आठ से ग्यारह दो हजार बाईस में हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम क्या है आपका नरेंद्र सिंह तोमर ठीक है ये भी पूछ पूछ सकते हैं तो मंत्री पद पोर्टफोलियो जरूरिया एक बार देख के जाना जिस राज्य के आप हैं उस राज्य के और जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट के दोनों ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कहाँ गए थे ये गए थे इसराइल में गए थे टर्की तो बाद में गए थे क्या नाम है टर्की जो आप लोग लगा रहे हो टर्की तो बाद में गए थे

इंटर मिलान इज द राइट आंसर ठीक है इनको बनाया गया इतालवी कब चैंपियन कांग्रिशांग की डीपी अच्छी लग रही है मुस्कुराते हुए नहीं एकदम हंसते हुए उन्होंने डीपी लगाई हुई है चलिए मई 2022 में पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है देखो पेटीएम का आईपीओ किया गया था पेटीएम के आई के बाद पेटीएम की हालत बहुत खराब हो गई थी और पेटीएम की जो एक वैल्यू थी वो वैल्यू गिर के मार्केट में यूं आ गई ऐसे करके तो यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद इनको दोबारा से क्या किया गया नियुक्त किया गया और वो इंसान हो जाएंगे कौन बेटा कौन से हो जाएंगे विजय शेखर शर्मा वेरी गुड तो विजय शेखर शर्मा हो जाएंगे वेरी गुड ठीक है आई क्या होता है पता आई पी ढक्कन है बोतल का ढक्कन है सपोज दैट और मुझे लगता है कि यार ये मान लीजिए मेरी कंपनी है सपोज दैट ठीक है और मुझे लगता है कि मैंने इसमें बनाने में और इसकी कॉस्टिंग में जो भी कॉस्टें लगती हूँ कॉस्टिंग वगैरह और भी चीज़ें और इसकी मार्केट में वैल्यू किया इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ इसका एक आई पी ओपन करता हूँ आई मतलब होता है जो शेयर मार्केट में ना आप शेयर बेचने के लिए जाते हो तब तो आपको अपनी कंपनी का आई देना पड़ता है अब मान लीजिए आपके जो चार साल आपने लगाए इन्वेस्ट किए रिसर्च वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं कि रिसर्च का पैसा नहीं देखा जाता रिसर्च का टाइम और उसकी नॉलेज देखी जाती है मान लीजिए मैंने बोला कि भाई ये भी आप दो सौ करोड़ का है आप यू किया आपने तो इसकी कॉस्ट कितनी आई सौ करोड़ आई कम हो गई लेकिन आपकी एक्चुअल कॉस्ट डेढ़ डेढ़ सौ थी तो आपको पचास करोड़ के इसमें चले गए घाटे में चले गए तो आपके शेयर मार्केट क्या होती गिर जाती है शेयर वैल्यू आपको गिर जाती है कंपनी वैल्यू आपको गिर जाती है जो रातों रात मतलब बिना किसी रीजन के आपके कितने घाटे में चले गए पचास करोड़ के आपको लग रहा है पचास करोड़ का फ़ायदा होगा तो पचास करोड़ घाटे में चले जाएंगे वैसे कुछ कंपनी और हैं हमारे इंडिया में जिनको आई करने के बाद जिनको आ, जिनको आई करने के बाद क्या मिला है उनको पैसा एक्स्ट्रा मिला है ठीक है जैसे उनकी लागत थी पचास करोड़ कंपनी एक्चुअली में पचास करोड़ की थी उसको आई करने के बाद वो दो सौ करोड़ की हो गई तो वो पैसा किसके पास गया वो के पास गया कंपनी के पास गया ठीक है एल आई सी ने अब जारी किया है हाँ जी तो ये होता है आई पी ओ ठीक तो आंसर आंसर देखते हैं आगे 25 मई 2022 को आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति सी सी ई ए ने किसमें सरकार की 29.5 परसेंट हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी है द कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स सी सी ई ए ऑन मई पच्चीस दो हजार बाईस हैज क्लियर द गवर्नमेंट ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट स्टेक सेल इन चलो तो यहाँ देखिए ट्वेंटी फाइव परसेंट जो स्टेक है आपका बिक्री इनकी बिक्री को मंजूरी दे दी है और वो है आपका कौन सा इधर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को गवर्नमेंट ने क्या आप दिया है ट्वेंटी नाइन फाइव परसेंट इसके जो शेयर होते हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं कि इसको बेचो आप कोई दिक्कत नहीं है बेच सकते हो अब इसमें क्या होगा इसमें इन्वेस्टर्स आएंगे इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी कंपनियाँ चल रही हैं जो काम होता क्या है देखो एक प्राइवेटाइजेशन करना कंपनी बेचना नहीं होता है सपोज दैट कि मेरी कोई कंपनी है और वो कंपनी नहीं चल रही है ना तो मेरे पास फंड होता है ना कुछ होता है तो बंद करने से अच्छा है कि मैं उसके कुछ शेयर्स किसी को दे दूं जो उसमें पैसा लगा रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट करा लूँ किसी और से तो वो होता है आपका इन्वेस्टर्स ठीक है तो इंडिया भी यही कर रही है अलग अलग देखा होगा आप लोगों ने अलग अलग सेक्टर में वो एफ डी आई ले आ रही है अलग अलग सेक्टर में एफ आई ले आ रही है क्यों लेके आ रही है क्योंकि उसे क्या करना है पैसा चाहिए बहुत सारी कंपनीज करती हैं जैसे बायजूस करती है बायजूस बायजूस का इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो फीफा तक में पहुँच पहुँच गई है ये इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं ठीक है इन्वेस्टर्स होते हैं अनकेडमी इन्वेस्टर्स और भी सारे कंपनीज हैं वो सब किस पर चल रही हैं इन्वेस्टर पे चल रही हैं उन इन्वेस्टरों के शेयर होते हैं और उन शेयर के बदले उनको क्या चाहिए होता है प्रॉफिट चाहिए होता है ये चल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत और किसने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए आपका एक विजन स्टेटमेंट को अपनाया है बताओ चलो भाई हाँ मेसी बन ब्रांड एम्बेसडर सोचिए मेसी को पता नहीं कितने पैसे दिए गए हैं उतने में तो भाई आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया में कम से कम हर स्टेट में एक एक ऑफलाइन कोचिंग खुल जाती हाँ मतलब इतना पैसा मेसी को दिया गया है इतने में कई सारे स्कूल ओपन हो जाते हैं भाई समझ रहे हैं आप इतने इतना पैसा दिया गया है तो इंडिया में इंडिया में जो गरीब राज्य वगैरह हैं वो हैं वहाँ पर कई सारे स्कूल खुल जाते ठीक है चलो तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका इसराइल हो जाएगा राइट तो इसराइल ने दोनों देशों के बीच क्या किया है रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक विजन स्टेटमेंट को अपनाया है राइट इजराइल ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से आता है निम्नलिखित में से किसे तीन साल के कार्यकाल के लिए आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सी के रूप में नियुक्त किया गया है तीन साल का अब वो हो जाएंगे हमारे कौन बेटा इधर आपके आर शुभ्रमण्या कुमार ये तो याद होगा आप लोगों को आर शुब्रमण्या कुमार हो जाएंगे ठीक है चलो फिर आता यहां से कि किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना की स्टार्टिंग की है और उस चिकित्सा बीमा योजना का नाम है क्या मेडिसेप तो मेडिसेप नाम की जो आपकी योजना है ये करने वाले तेलंगाना केरल असम गोवा तेलंगाना केरल असम गोवा में से कौन सा जाएगा बेटा ये जाएगा हमारा केरल ठीक है केरल हो गया मेडिसेप केरल वेरी गुड गरिमा काजल और मीनल प्रशांत चिराग ठीक है चिराग वेरी गुड आगे देखते हैं जुलाई 2022 में गुजराती स्वाधीनता संग्राम ना सुरब्रो में एक पुस्तक का विमोचन किसने किया ना सुरब्रो राइट स्वाधीनता संग्राम ना सुरब्रो अनुप्रिया पटेल मीनाक्षी लेखी एस जयशंकर और यहां पर स्मृति ईरानी तो कौन करेगा इसका आंसर जाएगा यहां से बेटा आपका कौन सा आपका मीनाक्षी लेखी राइट मीनाक्षी लेखी इज द राइट आंसर ठीक है तो ये हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर तनु राठी गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग ठीक आगे बढ़ते हैं फिर आज आता है कि किसमें निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी आर ओ एस सी टी एल की छूट के लिए योजना को मार्च दो हजार चौबीस तक बढ़ा दिया है तो मार्च दो हजार चौबीस तक बढ़ाया है निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ठीक है बात तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा बेटा आपका हो जाएगा हमारा टेक्सटाइल सेक्टर यानी कि कपड़ा क्षेत्र ठीक है टेक्सटाइल क्षेत्र <clears throat> आगे बढ़ेंगे 650 किलोमीटर दूर का सेंटर मिला है 650 किलोमीटर बढ़िया है मुबारक हो कहाँ का सेंटर मिला है 650 किलोमीटर नागपुर से कहाँ भेज रहे हैं तुमको नागपुर से उधर जाओगे तो दूसरे स्टेट चले जाओगे तो आई थिंक इधरी साइड कहीं आना पड़ेगा तुमको चलो बोर्ड ऑफ द कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया बी सी सी आई हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू ए प्लस कैटेगरी फॉर विच इन क्रिकेट तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू ने, क्रिकेट में की शुरुआत की 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 क्या है मुझे नहीं पता क्या है नंदेट. तो आप ठीके? आगे बढ़ते हैं निम्न से किसने पांच अगस्त दो हजार बाईस को निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुल सरकार दृष्टिकोण पर जोर दिया गया तो कुल सरकार दृष्टिकोण पर जोर दिया गया इस पर आपका हो जाएंगे राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल हरदीप सिंह पुरी या फिर आपका हो जाएगा राजकुमार सिंह बताओ तो आंसर क्या होगा इसका जरा बताइए फटाफट पीयूष गोयल आंसर जाके बढ़ाए यहाँ से पीयूष गोयल इज द राइट आंसर ठीक है आगे देखते हैं वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ पहुंचे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहाँ पहुंचे राजस्थान गुजरात एम यूपी कहाँ पहुंचे तो यहाँ पर वीर जो दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण जो हुआ है वो हुआ कहाँ पर राजस्थान में हुआ है राठौर की प्रतिमा का ठीक है राजस्थान आगे देखेंगे तो यहाँ से आता है कि एयर क्वालिटी एंड द हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 तक किस देश को पीएम 2.5 प्रदूषण में सबसे ज्यादा कमी वाले शहर हैं बीस शहर हैं सबसे ज्यादा कमी वाले बीस शहर हैं चाइना में है इंडोनेशिया में है इंडिया में है या फिर पाकिस्तान में है बताएं कोई बात नहीं बेटा तनु बेटा कोई दिक्कत नहीं है तो आंसर हो बेटा इसका चाइना हो जाएगा चाइना में तो ऑक्सीजन के वो भी चल रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ऑक्सीजन की मतलब फ्रेश एयर के लिए वो चल रहे हैं फ्रेश एयर के अभी मैं देख रहा देख दिन जो स्टोर वगैरह नहीं होते हैं सैमसंग स्टोर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होते हैं वहाँ पर इंडिया में भी आ गए हैं एयर प्योरीफाई करने के लिए क्या ज़रूरत है पोल्यूशन कम करो सुबह सुबह घूमाया करो बाहर निकल के और ये क्यों लगा एयर प्योरीफायर क्यों चाहिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स राइट अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं अब वहाँ पे अपना खिड़की मेरे रख ले रहे हैं उनको लग रहा है कि वो प्योर हवा ले रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जनवरी 2022 में किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एन ई एफ के नोबे संस्करण का उद्घाटन किया गया है इन विच सिटी वॉज द नाइन्थ एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एन ई एफ इनोग्रेटेड इन द जनवरी 2022 हजार बाईस शिलोंग इम्फॉल गुवाहाटी या फिर ईटानगर चलो बताओ जल्दी से तो आज इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुवाहाटी हो जाएगा राइट तो गुवाहाटी में हुआ है आपका नोवेल संस्करण का उद्घाटन जिसको बोला गया नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ठीक आगे बढ़ते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सूची में भारत का क्या स्थान है वर्ल्ड अब देखो ये सवाल थोड़ा सा पुराना भी हो सकता है तो जब भी कभी आप पेपर देने जाएंगे उसके एक हफ्ते पहले रैंकिंग अपॉइंटमेंट मंत्रिमंडल चेंजेज गवर्नर कौन से चेंज हुए रा, राज्यों के मुख्यमंत्री कौन से चेंज हुए कौन सी कंपनी के सीईओ चेंज हुए रिसेंटली बैंकों की क्या रेट है आर की क्या पॉलिसीज़ हैं इन सबको एक बार फिर से रिवाइज करके जाया करो करंट अफेयर्स में यही जरूरी है राइट आगे देखेंगे क्या हो जाएगा इधर ये हो जाएगा पाँचवा ठीक <coughs> है भारत का कौन सा स्थान है चौथा नहीं बेटा पाँचवा है फिर पोजिशन है भारत की ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आप देखो यहां से क्या नज़र आता है नोट करेंगे जैसे कि कोयला क्षेत्र से संबंधित ठीक है कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के को साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है तो एक एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है कोयला दर्पण पोर्टल और ये कोयला दर्पण पोर्टल जो है आपका ये लॉन्च किसने किया अरुण एरोस रमेश जैन या फिर अनिल कुमार जैन या फिर आपके हो जाएंगे अमरनाथ गुप्ता तो आप आंसर क्या होगा जरा बताए बेटा जल्दी से तो आप आंसर होगा बेटा अरुण बोस जैन

रूस ब्राजील इजराइल क्या आंसर हो जाएगा इसका तो आंसर क्या होगा इसका बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर इजराइल इज द राइट आंसर तो इसका आंसर क्या होगा इजराइल होगा इससे पहले भी दो कंट्री का क्या था इजराइल था अभी भी क्या है इजराइल है आप लोग क्या लगा रहे हो ब्राज़ील लगा रहे हो उत्कर्स उपाध्याय जी ने बस क्या दिया है इजराइल आंसर दिया है और उत्कर् सुपाध्याय जी का आंसर सही है ठीक है आगे बढ़ेंगे तनुराठी अभी अभी तो आई हैं और अभी अभी से सवाल की क्लास कब तक है आज हाँ थोड़ा सब्र रखिए इतमान रखिए एक डेढ़ घंटा तो चलेगी और अभी नौ साढ़े नौ तो जाएगी क्लास है क्योंकि लेट शुरू हुई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब फरवरी 2022 में किस लेखा महानंत्रक सी जी ए का व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है तो वो एज बिन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स राइट सोनाली सिंह आकांक्षा राजपूत साक्षी गर्ग शेपाली गुप्ता बताओ तो आगे आता है आपका आंसर डी आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सोनाली सिंह ए इज द राइट आंसर वेरी गुड सोनाली सिंह इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका शेफाली गुप्ता नहीं होगा सोनाली ए आंसर इज द राइट भाई कोई तो लगा दो आगे फिर रक्षा मंत्रालय ने अभी हाई एल्टीट्यूड जिसका नाम है हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट एच ए पी एस विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक डिजाइन और विकास अनुमान पर हस्ताक्षर किए हैं एक डिजाइन और विकास अनुमत पर क्या किए हैं हस्ताक्षर किए हैं रक्षा मंत्रालय ने ठीक है हाई एल्टीट्यूड सूडो सेटेलाइट एच ए पी एस तो आंसर क्या होगा इसका बेटा हाँ कैपिलर एरोस्पेस न्यू स्पेस रिसर्च आंसर जाएगा इसका बेटा आपका न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी ठीक है न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी इज द राइट चलिए तनु राठी का भी बर्थडे है आज क्या बात है गर्मा जी का बर्थडे भी था दुबे जी का भी बर्थडे था आज और यहाँ पे तनु जी का भी बर्थडे है दो दो बर्थडे हैं बताइए कुछ क्या क्या, क्या पार्टी कहाँ मिल रही है तनु और गरमा पार्टी कहाँ दे रहे हो भाई पार्टी तो बनती है पार्टी तो चाहिए हैप्पी बर्थडे तनु बशु बरी बैरी हैप्पी बर्थडे ठीक है, है आगे देखते हैं फिर आज आता है कि भारत सरकार फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित अपने व्यापार सौदे के लिए एक हिस्से के रूप में किसे देश में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई क्या करेगी स्थापित करेगी तो द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया विल बी सेटिंग अप एन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी आई इन विच कंट्री एज अ पार्ट ऑफ इट्स ट्रेड डील दैट वॉज साइंड इन द फरवरी दो तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम या फिर सऊदी अरेबिया आंसर क्या हो जाएगा <coughs> तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा आपका हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यू ठीक है तो यहाँ पे क्या करेगी व्यापार और सौदे के लिए एक हिस्से के रूप में एक देश में एक भारतीय प्रौद्योगिकी आईआईटी स्थापित करेगी देख रहे हैं कि अब आई सिर्फ इंडिया में नहीं होगी आईआईटी आई सिर्फ इंडिया में नहीं आई आई आपकी यू में भी रहेगी ये बढ़िया है चलो एक हिस्से के रूप में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा आता है कि 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने राज्य की कृषि निर्यात नीति ए शुरू की है चलो भाई त्रिशांग त्रिपाठी जी बोलने लगे हाथ सर मेरा भी मना लो मनाएंगे मनाएंगे तुम्हारा भी मनाएंगे चलो भाई त्रिशांक त्रिपाठी जी चलो गुजरात हरियाणा पंजाब एंड द महाराष्ट्र तो कृषि निर्यात निधि ए पी की बात करेंगे आप जाएगा महाराष्ट्र इज द राइट right आंसर ठीक है महाराष्ट्र ने पॉलिसी जारी की है आगे बढ़ेंगे वेरी गुड मीनल देवगढ़ी जी ने लगाया है क्योंकि मीनल जी महाराष्ट्र के उनको पता होगा इसके बारे में राइट आगे निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया तो मार्च 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है आईएनएस चेन्नई ने आईएनएस विक्रमादित्य ने आईएनएस मुंबई या आईएनएस एन बताओ तो बच्चों का आंसर यहाँ पे आ रहा है कौन सा बेटा डी आंसर आ रहा है आंसर जो आगे बढ़ाया से कौन सा आईएनएस चेन्नई ये आईएनएस चेन्नई हो जाएगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अच्छा ब्रह्मोस को बनाने के लिए यूपी में किस जगह पर एक यूनिट स्थापित की गई है कि भाई यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल जो आपकी वो बनाई जाएंगी और यूपी में एक शहर है ठीक है वहां पर यूनिट इसकी बनाई लगाई गई है वो शहर का नाम बताइए क्या हो जाएगा ये तो आएन एस नहीं हो गया इसका जवाब लखनऊ वेरी गुड उत्कर्ष उपाध्याय लखनऊ ठीक है आगे रिसेंटली वू प्रेजेंटेड द एनुअल बजट फॉर द आंध्र प्रदेश इसको हटा दो आप ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया करो राइट जब आप एक साल का रिविजन करेंगे तो ऐसे सवालों को हटा देंगे जब तक आप इस स्टेट के नहीं हैं तब तक अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं और कोई अगर क्वेश्चन ऐसा पढ़ रहे हैं तो पढ़े राइट इसको छोड़ दीजिए वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आगे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की मौजूदा आरक्षण सीमा के भीतर विभिन्न जनजातियों के लिए उपवर्गीकरण पर नियंत्रण लेने के लिए कौन सा राज्य ओबीसी आयोग बनाएगा तो कौन सा राज्य ओबीसी आयोग बनाने जा रहा है उस पर रिजर्वेशन आरक्षण इन सब को देखते हुए असम मेघालय नागालैंड या फिर मणिपुर इनमें से कौन बनाएगा ये ओबीसी का रिजर्वेशन आयोग तो जो बसन आयोग यहाँ पे बनाने जा रहा है वो है हमारा स्टेट असम ठीक है असम बनाएगा ओबीसी आयोग नहीं असम होगा वेरी गुड चिराग असम आगे हटा दो सर प्रीति पांडे बोले हटा दो सर मतलब हटा दिया भाई पांडे जी चलो त्रिपाठी जी पांडे जी उपाध्याय जी हाँ दुबे जी देख रहे है? चलो आगे देखते हैं विदेश मंत्री ई एस जयशंकर 26 से 23 मार्च

मालदीव अंडर श्रीलंका इज द राइट आंसर ठीक है चलिए त्रिपाठी राठी 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 लोग जो हैं राठी 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 तो मेरठ मुजफ्फरनगर और इधर आपका गाजियाबाद साइड मतलब ये जो एन सी रीजन लगता है उस साइड उस साइड लोग मिलते हैं तो आई थिंक ये राठी जी जो हैं शायद मेरे ख्याल से मेरठ या उधरी साइड से होंगे गधरे साइड से राइट मेरे क्योंकि मेरे बैच में एक दो लोग थे राठी ठीक है मेरे मेरे कॉलेज में ठीक है चलो फिर देखते हैं कि अप्रैल दो में किसने सेना प्रशिक्षण कमान ए आर टी आर ए सी शिमला का पदभार ग्रहण किया <coughs> हाँ मुजफ्फरनगर से ओके देखा लगा ऐसे लगाया जाता है। तो बाईस में किसने सेना प्रशिक्षण कमान ए आर टी आर ए सी शिमला का पदभार ग्रहण किया तो कपिल मोहन धीर एस एस महल सी एस नायडू अनुपम कपूर तो आंसर जाके यहां से सी एस एस महल राइट right आंसर इन्होंने शिमला का पदभार ग्रहण किया अगला एक हमारा सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी की गई थी सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव ये क्यों किया जाता है ताकि हम रिसोर्सेज वगैरह का यूज ऐसे करें या हमारे आने वाले फ्यूचर की जब चिंता करें हम लोग और फ्यूचर के लिए संभाल के रखें तो उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव और इसकी जो मेजबानी की है वो किसने की जरा बताइए वो हो जाएगा हमारा एन एस रोड की ये हो जाएगा आई रोड की हो जाएगा क्लियर आगे प्राथा की अप्रैल 2022 में एक डेनिस ओपन तैराकी में पुरुषों की एवं पंद्रह सौ मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता है और रजत पदक जीतने वाले हो जाएंगे इंसान उनका नाम है क्या वो है वेदांत माधवन वेदांत माधवन ये आर माधवन के बेटे हैं आर माधवन एक्टर वही थ्री इडियट वाले तो उनके बेटे हैं ठाई वेदांत माधवन उनके बेटे हैं हाँ उन्हीं के बेटे हैं वेदांत माधवन वेरी गुड आगे बढ़ते हैं फिर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आई ए सी सी आई ए सी सी हाँ आर माधवन के बेटे हैं सीरियसली बेटे हैं नहीं मजाक नहीं करा पसंद सीरियसली में उन्हीं के बेटे हैं ये राइट तो आर माधवन खुद एक बहुत बढ़िया पढ़ने लिखने में बढ़िया इंसान है शायद वो इंजीनियर कुछ अच्छी ऐसी पोस्ट पर हैं ठीक है आ, पढ़े लिखे हैं और उनका बेटा भी स्पोर्ट्स में है राइट हाँ सच कह रहा दीवाना चलो फिर आपका हो जाएगा अगला देखते हैं यहाँ से इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स आई द्वारा इंटरप्रन्यर लीडरशिप अवार्ड के लिए किसे चुना गया है मैडी मैडी था ना उसमें नाम क्या नाम है मीनल देवगड़े जी उसमें नाम मैडी था उसका तो विवेक लाली आपका अमर मित्रा प्रभात पटनायक या एस दुलत यहाँ पे आंसर होगा विवेक लाल ठीक है इनको चुना गया एंटरप्रेन्योरशिप लीडर अवार्ड्स के लिए ठीक है पहली चीज आगे बढ़ेंगे तो टाटा सन्स मस्ट एयर इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया एयर एशिया मलेशिया एयरलाइन थाई आपका एयर एशिया या फिर आपका एयर एशिया फिलीपींस तो जिसके साथ पर इंडिया का विलय किया गया है वो जाएगा हमारा कौन सा आपका एयर एशिया ठीक है ठीक है एयर इंडिया का विलय कर दिया गया इसके साथ में एयर एशिया के साथ में ठीक आगे बढ़ते हैं क्लियर आगे मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम बी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कभी किसी ने मुझसे सवाल पूछा तो मुझे याद है आई थिंक प्रशांत ने पूछा था या किसी और बच्चे ने पूछा था कि जो एयर एयर होस्टेस होती हैं वो इतनी मतलब सुंदर क्यों होती हैं मतलब इतनी गोरी क्यों होती हैं ठीक है ठीके? वो एक्चुअली में देखो उनका एक तो ड्रेसिंग सिस्टम होता है ठीक है इनका जब सिलेक्शन होता है तो ऑलरेडी एक 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 सिलेक्टिव बॉडी टाइप को ही क्या करते हैं लोग सिलेक्ट करते हैं यू हैव टू बी फिट यू हैव टू बी लुक्स लाइक अ मॉडल राइट सबको देखो एक सबका एकदम से क्या होता है हेयर स्टाइल सबका एक जैसा होता है फिक्स रहता है वो हेयर स्टाइल राइट लड़के अभी देखो वो भी सब एकदम से राइट तो ये इस वजह से और मेकअप मेकअप आजकल तो मतलब मेकअप आजकल क्या बोले मेकअप में बहुत एडवांसमेंट हो गया है देखो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही तो क्या सिर्फ मशीनों में थोड़ी न बढ़ रही है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है अच्छा खाना आ रहा है अच्छी चीज़ें आ रही हैं न्यूट्रिशंस आ रहे हैं तो मेकअप की क्वालिटी भी बढ़ रही है पहले का मेकअप लगता था कि आदमी ने मेकअप किया हुआ है अब उसमें रोज़ नई टेक्नोलॉजी ऐड हो जा रही है और ऐसा ऐसा मेकअप आ गया भाई साहब कि मतलब भूत को भी वो भगवान बना दे भूत को भी भगवान बनाता भाई ऐसे ऐसे मेकअप है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ वेट कम होना चाहिए मेकअप कंपनी को तो बैन कर देना चाहिए सही बता रहा हूँ केरला महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हरियाणा केरला महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हरियाणा तो आंसर क्या होगा इसमें बताइए कौन सा क्या होगा जरा बताओ फटाफट केला महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हरियाणा होगा आपका कौन सा हरियाणा हो जाएगा इसका जवाब आगे बढ़ते हैं इसके साथ में मई 2022 में वैज्ञानिकों ने थलियाना नामक एक कम फूलों वाले खरपतवार के बीच कितने छोटे थिम्बल आकार के कंटेनरों में लगाए जिनसे प्रत्येक चंद्रमा की मिट्टी का एक ग्राम है जिसे चंद्र रेजोलित कहा जाता है अच्छा सवाल है बढ़िया सवाल है अच्छा सवाल बढ़िया सवाल है चलो बताओ तो आंसर हैं पर, कितने बारह ट्वेल्व हो जाएंगे तो बारह इनको क्या कहा जाता? जाता है चंद्र रेजोलित कहा जाता है ठीक है तो जो गमले लगाए गए हैं उस गमलों में चंद्रमा से लाई गई मिट्टी का प्रत्येक चंद्रमा की मिट्टी का एक ग्राम डाला गया है एक ग्राम उन गमलों में राइट तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग यहाँ पर ठीक है आगे बढ़ेंगे बारह हो जाएंगे अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विटनेस द बर्थ ऑफ द ब्लैक होल्स फॉर द फाइव टाइम्स इन द मई दो तो किसने मई दो में सौ बार ब्लैक होल का जन्म देखा या फिर आपका एस्ट्रोसेट या फिर आपका एस्ट्रोसेट टू या फिर आदित्य एलवन आज आपका लुक थोड़ा चेंज हो रहा है <laughs> मेकअप नहीं कर सकते ना तो थोड़ा बहुत कभी कभार क्लियर कर लेते हैं ठीक है लुक थोड़ा चेंज हो रखा है बाल बाल थोड़े से चलो तो जाएगा न्यू स्टार हो जाएगा राइट नो स्टार एस्ट्रोसेट एस्ट्रोसेट टू आंसर लगा रहा है एस्ट्रोसेट आंसर हो जाएगा हमारा एस्ट्रोसेट इज द राइट आंसर ठीक है चलो अगला क्वेश्चन कुछन, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड न्यू गाइडलाइंस फॉर दी विच क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बताओ आंसर क्या होगा इसका माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइजेस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर हो जाएगा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स या फिर हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर द डिजीज़ कंट्रोल इसमें इसका आंसर क्या होगा मेकअप लगाएंगे कैसे बी में हाँ वही तो अरे मूवी नहीं देखी बाहुबली मूवी देखी हो बाहुबली बाहुबली में वो तमन्ना भाटिया देखें आप आ, क्या बोलते हैं आ, जब वो सैनिक होती है विदाउट विदाउट मेकअप तो तब देख लो फिर वो आते हैं प्रभास उनको बताते हैं कि भाई ऐसे देखो ऐसे तुम तो अच्छी नहीं लगती हो तुमको मेकअप लगाना चाहिए तो वो वहाँ से तोड़ तोड़ के फूलों वूलों से उनको मेकअप करते हैं वो आधा मेकअप होता है आधा मेकअप होता है उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका पूरा मेकअप हो जाता है देखो कितना अंतर हो जाता है तो ऐसे अंतर होता है चलो आगे बढ़ते हैं तो सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी आंसर हो जाएगा माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइजेस राइट सूक्ष्म और लघु उद्यम सूक्ष्म और लघु लघु उद्यम ठीक है ये हो जाएंगे क्लियर हाँ जी वेरी गुड तो आगे आंसर देखते हैं क्या आता है फिर आता है आपका कि दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे जून इकतीस मई दस जून तीस मई बताओ जल्दी से चलो तो यहां पर दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं किसको बेटा यहां पर एक जून आपको मनाते हैं दुग्ध दिवस के रूप में ठीक है अगला क्वेश्चन फिर किसने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ सहयोग किया है जो जो थ्री डी मैप्स की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगी ठीक तो है तो इसरो ने सकते हैं राइट तो इंडिया देखना भी थोड़ी देर बाद खुद के सेटेलाइट भी है, खुद का नेविगेशन भी लेके आएगा तो दिशा में कदम जो है बढ़ा चुकी है इंडिया और बहुत जल्दी होगा राइट आगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निर्देशों का पालन ना करने पर किस बैंक पर सत्तावन 0.50 फाइव जीरो लाख यानी कि साढ़े सत्तावन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है साढ़े सत्तावन लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया जरा बताओ उस बैंक का नाम बताओ साढ़े सत्तावन लाख का जुर्माना लगाया मैप माई इंडिया आंसर नहीं वो तो पुराना ज... पुराना था इसका बताओ आईओ आंसर जाकर इसका इंडियन ओवरसीज बैंक वेरी गुड यानी किसने दिया था ये काजल 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 भी आई हुई आज काजल तो आती है काजल यादव नाम से दिया है आईओबी काजल आगे बढ़ते काजल निम्नलिखित में से फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो कि हमारे यहाँ तेरा एक्सप्रेस वे वाला बन गया है तो वो राज्य कौन सा होगा <coughs> <coughs> तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हाँ अंजलि नहीं आई अंजलि <खिणा> नहीं आ रही आजकल आगे बढ़ते हैं किस देश के मौसम कार्यालय ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी जारी किया है रेड रेड अलर्ट जारी किया जरा बताइए तो देश के मौसम कार्यालय ने जुलाई 2022 में रेड अलर्ट जारी करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए तो हो जाएगा बेटा कौन सा कैनेडा जर्मनी यूनाइटेड किंगडम या फिर हो जाएगा फ्रांस यहाँ पर जाकर बैठा यूके ठीक है यूके क्लियर चलिए भाई आगे बढ़ेंगे यूके ने मौसम का किया है और यूके के खाली थोड़ी सी ख़राब चल रही है अब इस टाइम पर काफ़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई है राइट देखो यूके में देखो यूके में प्रोडक्शन नहीं था यूपे इज़ नॉट एग्रीकल्चर कंट्री जिस टाइम पर यू पे था उस टाइम पर यूके के पास दिमाग था लोगों के पास इन्होंने रूल किया इन्होंने मतलब इंडिया क्या अमेरिका क्या हाँ और इधर आपका कई सारी कंट्रीज मतलब कोई भी बोलते हैं कि सूरत जो सूर्य तक कभी अस्त ही नहीं होता था हमारी जो महारानी के राज्य में क्योंकि इतने देशों को उन्होंने कॉलोनीज बना रखा था ठीक है फिर धीरे धीरे अमेरिका आज़ाद हुआ और कंट्रीज आज़ाद हुई कॉलोनीज खत्म हुई अब मनी क्राइसिस चल रही है राइट क्योंकि अब तो उनकी कोई कॉलोनीज भी नहीं से उनके पास पैसा है खुद का प्रोडक्शन ज़्यादा है नहीं राइट तो धीरे धीरे देखना चीज़ें फिर से वहीं भी आ जाएंगी जैसे शुरू हुई थी राइट आगे देखते हैं वॉट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन अनवील्ड बाय द पी एम नरेंद्र मोदी

विच ऑफ द फोइंग क्रिकेटर द वन स्पोर्ट गुड मॉर्निंग सोना गुड मॉर्निंग सोना अब कोई मत सोना तो यहां पे कौन से बैठा शिखर धवन ने शुरू किया अपनी खुद की एकेडमी जिसका नाम है धवन स्पोर्ट्स नाम से राइट अब लोगों को क्या सिखाएंगे क्रिकेट सिखाएंगे ठीक है <coughs> आगे देखते हैं फिर आता बारह अगस्त दो को प्रसिद्ध लेखक सलमान रुस्ती पर हमला हुआ है वो किस देश से संबंधित हैं तो सलमान रशदी पर हमला किया गया है और सलमान रुश्दी किस देश से बिलोंग करते हैं इंडिया ब्रिटेन यूएसए और द ईरान तो सलमान रुश्दी जो है हमारे बिलोंग करेंगे कहाँ से बेटा ये ब्रिटेन से करते हैं इनको हमला हुआ था अब अगस्त में हुआ था हमला ठीक है दो में क्लियर आगे देखते हैं डी ए आर पी जी ई ऑफिस संस्करण फाइव पॉइंट इसको नहीं ना हटाओ इसको जनवरी 2022 में किस राज्य ने बी के भवरा को नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है तो यहाँ पर देखो ये स्टेट जी के है तो अपॉइंटमेंट जो ज़्यादा देखा करो आप लोग जैसे एग्जाम अगर देने जा रहे हो यूपी का तो यूपी का अपॉइंटमेंट देख लो केंद्र के देख लो केंद्र के साथ बता रहा हूँ केंद्र के तो देखने ही देखने हैं राइट इसके अलावा जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं जो आपके स्टेट से संबंधित हो और केंद्र से संबंधित हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया स्टेट स्पेसिफिक हो गया है पारा पंजाब तो ऐसे सवालों के आने के चांसेस बहुत ही

तो क्या हो जाएगा उसको बोलेंगे क्या ट्रेन मैनेजर ठीक है ट्रेन मैनेजर वेरी गुड जमते वो निकल गया थोड़ा सा मिनल आगे बढ़ेंगे ये ये क्वेश्चन नहीं जमा होगा तो किस राज्य में स्थित एक एनजीओ ने कोविड द्वारा उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए जानवरों को अपनाने के लिए एडॉप्ट एनिमल पहल शुरू किया है हरियाणा गुजरात पंजाब और राजस्थान हरियाणा पंजाब गुजरात राजस्थान ठीक है चलिए भाई कौन सा जागे बैठाएं यहाँ से देखेंगे कौन सा ये गुजरात हो जाएगा जानवरों को अपनाने के लिए अडॉप्ट एनिमल इस पहले की शुरुआत की किसने गुजरात ने गुजरात इज द राइट आंसर ठीक आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 20 जनवरी 2022 को वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित एक इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रह का उद्घाटन किया है तो राजनाथ सिंह अमित शाह एंड द अजय भट्ट तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से बेटा अजय भट्ट इज द राइट आंसर ठीक है वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया है ठीक है वेरी गुड अमित शाह नहीं होंगे बेटा इसका आंसर हो जाएगा अजय भट्ट होंगे किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया था कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है वो है पेंड, जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा फरवरी 2022 में फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी लिखी थी किसने फरवरी 2022 में हाँ डिफेंस सेक्रेटरी भी अजय भट्टी हैं वेरी गुड तो यहां से आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा नवदीप सिंह गिल इन्होंने लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा क्योंकि उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था इस वजह से इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है इसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा क्लियर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के क्षेत्र में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जो है प्राप्त किया है कोल इंडिया लिमिटेड रेलटेल या फिर आपका HLL लाइफ केयर या फिर आपका मझगांव डॉक लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड या फिर आपका रेल टेल या फिर आपका एच एल एल लाइफ केयर या फिर हो जाएगा मझगांव डॉक लिमिटेड <tay> बताओ फटाफट तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा आपका ये हो जाएगा आपका रेल टेल इज़ द राइट आंसर रेल टेल इज द करेक्ट ठीक है आगे देखते हैं भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल थ्री कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी किस शहर में शुरू की गई है ठीक है नागपुर नासिक पुणे मुंबई नागपुर नासिक पुणे मुंबई में से कौन सा हो जाएगा <tay> तो बता जल्दी फटाफट फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल थ्री कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी हैज बिन लॉन्च इन विच सिटी तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा नासिक में हो जाएगा ठीक है पहली मोबाइल लेबोरेटरी ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है तारीख आपकी हो जाएगी सत्ताईस फरवरी इसके अलावा विश्व मोटापा दिवस <laughs> विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है तीन मार्च फिर आपका चार मार्च पाँच मार्च या फिर हो जाएगा छः मार्च तो से मोटापा दिवस मनाते हैं हम लोग कब चार मार्च को मनाते हैं राइट क्योंकि उनको तो उठाने के लिए चार लोग लगेंगे चार मार्च ठीक है मोटापा दिवस ठीक है बहुत परेशान है भाई लोग पूरा बहुत धंधे चल रहे हैं इन सब चीज़ों पे मोटापा के लिए देखो इतनी जिमें खुली हुई हैं इतने इतनी ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ें चल चीज़ 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 रही हैं मेडिकल चीज़ें चल चीज़ चीज़ रही हैं राइट ठीक है हर कोई पतला होना चाहता है लुकिंग लाइक स्मार्ट एंड द फिट चलो कौन सा राज्य एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बने जा रहा है विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी गुजरात तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है एक ट्रिलियन तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा महाराष्ट्र बन ट्रिलियन इकॉनमी ठीक है आगे बढ़ते हैं सत्ताईसी सतासी के जी से बढ़ ही नहीं रहा एटी सेवन के बाद तुमको और बढ़ाना है तो शांत त्रिपाठी जी क्या चाह रहे हो सौ करोगे क्या सत्तर लगाओगे दस बजे वाली क्लास ऑफ कर दी क्या मोहम्मद जावेद आप आते नहीं बताइए इतने दिनों बाद आगे पूछेंगे कि बताइए आपका हाल उल्फत हाँ तो हाल उल्फत इतने दिनों के बाद पूछेंगे तो उल्फत में फिर उल्फत हो जाएगी पहले आके पूछते तो शायद बंद नहीं होती चलिए तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र फिर विश्व डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है एक अप्रैल दो अप्रैल तीन अप्रैल या फिर हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा आपका सात अप्रैल सात अप्रैल इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 में किसके तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की, की नीति को मंजूरी दी है ठीक है तो अभी हाल ही में देखो एक कैबिनेट कैबिनेट ने क्या कि किया है पॉलिसी यूज ऑफ द लैंड अक्वायर्ड अंडर दी तो द लैंड अंडर दी कौन सा आपका पेट्रोलियम एंड द मिनरल्स पाइपलाइन एक्ट उन्नीस सौ बासठ ठीक है यह हो जाएगा अगला देखते हैं अप्रैल 2022 में आतंकवाद के मामलों की जांच में अनुभवों को साझा करने पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किसने किया बताएं केंद्रीय जांच ब्यूरो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अनुसंधान और विश्लेषण विंग या फिर आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो आंसर क्या होगा यहाँ से तो 2022 में आतंकवाद के मामलों की जांच में अनुभवों को साझा करने के कोलंबो सुरक्षा ने इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है वेन इज द इंटरनेशनल डांस ऑब्जर्व एवरी ईयर तो 27 अप्रैल 28 अप्रैल 29 अप्रैल और फिर तीस अप्रैल तो तो कौन सा क्या होगा इसमें तो नृत्य दिवस यानी कि डांस डे डांस डे हो जाएगा कौन सा बेटा उनतीस अप्रैल किसको किसको डांस आता है तुम लोगों में से तुम लोगों में से किसको किसको डांस आता है मतलब किसी भी तरीके का डांस मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी मतलब कुछ भी आता हो डांस कर लेते हो ठीक से कोई देखे तो देखे आपको ऐसा ना बोले बंद कर भाई बहुत हो गया ठीक है किसको किसको आता है <coughs> नोरा फतेही डे मतलब नोरा फतेही की तो हड्डियों में डांस है मतलब सीरियसली ये तो मानना पड़ेगा राइट चलिए पूजा पूजा सैनी जी को आता है प्रशांत को भी आता है अच्छा भरवीनल जो को भी डांस आता है गुड किसको किसको बॉलीवुड डांस बॉलीवुड डांस आता है जिसका बॉलीवुड डांस किसको किसको आता है बोध पूछा बॉलीवुड डांस किसको किसको आता है तो आगे आपका ये उनतीस अप्रैल हो जाएगा ठीक है इसके आगे लुइगी डिमाओ किसके विदेश मंत्री हैं जो भारत के साथ बहुआयामी साझेदारी को बढ़ाने के लिए मई 2022 में भारत पहुंचे तो विदेशी दौरे जो होते हैं ना कई मंत्रियों के देशों के साथ में उनको भी याद रखेंगे तो यहाँ पर हमारे जो लुई गी हैं इटली के जो विदेश मंत्री मिनिस्टर तो पर इंडिया आए थे आ, कुछ डिस्कस किया होंगे कुछ मीटिंग्स हुई होंगी कुछ एमओ साइन हुए होंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे वेरी गुड मुझे नहीं आता भाई चलो अगला गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने जा रहा है इन बिच स्टेट गेल इंडिया लिमिटेड इज गोइंग टू सेटअप इंडिया प्रोटोन एक्सचेंज मेम्रेन पीई एम इलेक्ट्रोलाइजर कर्नाटक मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक एम पी एपी तो आंसर होगा एम पी एम पी हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस हर साल इक्कीस में मनाया जाता है राइट चाय दिवस जो है आपका दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था कब <coughs> चाय दिवस कौन सी ईयर में दिल्ली में आयोजित किया गया था मतलब स्टार्ट किया गया था चाय दिवस तो हो जाएगा आंसर आपका कौन सा आपका 2005 में दिल्ली से स्टार्ट किया गया था चाय अच्छा चाय का प्रोडक्शन करने वाला कौन सा हमारा राज्य है जो सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन करता है सबसे ज्यादा असम वेरी गुड तो चाय के प्रोडक्शन में असम जो हो जाएगा वो टॉप पर हो जाएगा और अगर कॉफी के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कॉफी के प्रोडक्शन में जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा ठीक है कर्नाटक हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू गाइडलाइन फॉर द बिच क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम केंद्र सरकार ने किस क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है तो माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइजेस कृषि विभाग सामान्य सेवा केंद्र रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय

खिलाफ उन्नीस सौ चौरानवे का जनसंहार हुआ था बहुत लोगों को यहाँ पर मारा गया था राइट तो ये डेट आया कौन सा बेटा आपका सात अप्रैल सेवन अप्रैल इज द राइट आगे देखते हैं कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई आई टी पच्चीस मार्च से पच्चीस अप्रैल दो हजार बाईस तक स्कॉलर रिसर्च फेस्टिवल का दसवा संस्करण जो है वो करने जा रहा है या मना रहा है मुंबई खड़गपुर कानपुर मद्रास <coughs> मुंबई खड़गपुर कानपुर मद्रास बताओ बच्चा तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कौन सा आईटी मद्रास अगला अप्रैल में हजार हंगरी में बुद्धा इंटरनेशनल मास्टर में किसने मास्टर प्राप्त किया तारणी गोयल ओरफा जोहरी रिया जादौन या पूजा जत्यान तो रिया जादौन तो अभी हम नाम देख चुके थे लेकिन अभी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताराणी गोयल क्लियर तारणी गोयल आगे देखते हैं कोचिन से लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक जहाज किसको अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा तो जो भी हमारे जैसे कि आई वगैरह हैं किसी की एंट्री हो रही है कोई डी कमीशन हो रहा है कोई कमीशन हो रहा है कोई किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में जा रहा है तो ये जुड़े जुड़े जो सवाल है उनको आप लोगों को नोट करके पढ़ना चाहिए राइट तो आप हो जाएगा बेटा आई विक्रांत ठीक है अगला मई 2022 में किस कंपनी ने एक गीगावाट परियोजना के लिए आपका भारत का सबसे बड़ा सौर इंजीनियरिंग खरीद आदेश जीता है एक गीगा वाट परियोजना इनका जो टेंडर है वो किस कंपनी ने जीता है वाट योजना जो है एक टेंडर जीता है और कौन सी योजना है कौन सी एनर्जी है सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा बता रहा हूं राइट सौर यहां पे देखेंगे बेटा कौन हो जाएगा ये टाटा पावर सोलर सिस्टम तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने ये जीता है ठीक है यूपी की पगली गुड मॉर्निंग ये नाम क्यों रखा आपने यूपी की पगली क्यों पगली है आप यूपी की इस वजह से जनता जानना चाहती है मई 2022 में किस सरकारी मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स या फिर आपका मिनिस्ट्री कॉमर्स कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हाँ विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय हाँ चलो बोलते नहीं चल पगली रुलाएगी क्या <laughs> तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बताएं आंसर हो जाएगा आप मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय ठीक है आगे अगला क्वेश्चन अब देखते हैं यहां से क्या आता है कि मई 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने लगभग 640 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है <coughs> चलो बताओ 5 7 9 11 5 7 9 11 में से कौन सा जाएगा <coughs> तो आगे बढ़ेंगे आंसर क्या हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा हाँ ये सही था ये सही था हसमत पगली है <laughs> बहुत बढ़िया परेशान बहुत बढ़िया गरिमा बहुत सही <laughs> चलिए मुझे लगता है कि तुम आ, कोई मतलब लड़के हो आ, सच बता रहा हूँ मुझे जो लगता है जहाँ तक तुम कोई लड़के हो आगे देखते हैं क्योंकि आपने अभी लिखा भी है कि सर हम पागल हैं इसलिए <laughs> चलिए समान नारी संहिता के कार्यान्वयन पर मसौदा तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है आगे क्या हो जाएगा देखो यार उत्तराखंड हो जाएगा गोवा है तो गोवा तो पहले स्टेट हुआ करता था यूके ने भी कर लिया है और अभी तीसरा स्टेट कौन सा जरा बताइए अभी थर्ड स्टेट भी न्यूज में था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और ऐसा मानना है कि अब ये लोग क्या करेंगे स्टेट वाइज स्टेट क्या कर रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट वाइज स्टेट करेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करेंगे ठीक है <kuh> चलो किसी का मजाक नहीं उड़ाते नहीं अजीत प्रताप मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं लेकिन जो खुद ही उड़वाना चाह रहा हो वो कहते हैं कि तुम बहुत मजाकिया हो वो कहते हैं कि तुम मजाकिया हो कि तुम कहलवाते हो कि तुम मजाकिया हो समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इज द राइट आंसर ठीक है है वेरी गुड गर्ल कोई दिक्कत नहीं मैं तो ट्राई मार रहा था। देख रहा था था देख कि कि आप गर्ल हैं बॉय में लेकिन आपने जितनी इमोजी बनाई है उस हिसाब से तो लग रहा है कि आप गर्ल हैं खैर आगे बढ़ते हैं अप्रैल 2022 में फसल में रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए एक किसी विश्वविद्यालय ने एन प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो एन प्रयोगशाला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो किए हैं वो कौन सा हमारा विश्वविद्यालय हो जाएगा तो वो है हमारा कौन सा आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको बोलेंगे टी एन ए यू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अजीत प्रशांत उड़ा रहा है प्रशांत खुद उड़ रहा है तो वो क्या उड़ाएगा वो हमेशा ऐसा लगता है कि रॉकेट पर बैठा हुआ है इतना एक्साइटेड रहता है प्रशांत आगे बढ़ते हैं चौदह अप्रैल दो को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है आपका कब मनाई जाती है चौदह अप्रैल को मनाई जाती है और इसका जवाब हो जाए कौन सा वन थर्टी फर्स्ट एक सौ इकतीसवीं मनाई जाती है क्लियर आगे इन्वेस्ट इन ओवर प्लेनेट किस दिन का विषय है और इसे मनाया जाता है इन्वेस्ट इन ओवर प्लेनेट राइट नहीं नहीं, नहीं बोझ में कह रहा हूँ प्रशांत अच्छे लड़के यार तुम तो गंदी कहाँ करते हो गंदी बात नहीं करोगे ए बी सी डी पढ़ ली बहुत अच्छी बातें कर ली बहुत इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट इज द थीम ऑफ द विच डे एंड दिन इट इज सेलिब्रेटेड डब्ल्यू ई डी मतलब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो आपकी बीस अप्रैल वर्ल्ड वाटर डे इक्कीस अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे बाईस अप्रैल या वर्ल्ड माइंड डे आपका कौन जाएगा तेईस अप्रैल और यहाँ पे आंसर होगा बेटा कौन सा वर्ल्ड अर्थ डे बाईस अप्रैल थर्ड वन इज द राइट आंसर ठीक है थर्ड वन इज द करेक्ट सॉरी जनवरी में आ रहा हूँ कानपुर चाय पिलाओगे चौदह जनवरी को पहुंच रहा हूँ कानपुर चलो आगे देखते हैं वो अमोइंग है खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स दो खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स इक्कीस का पहला स्वर्ण पदक जीता है तो शिव श्रीधर प्रदीप सिंह विजय कुमार और कोमल कोहर चलिए तो किसने खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का आपका दो का पहला स्वर्ण पदक जीता है तो आंसर जाएगा कौन सा बेटा कोमल कोहर इज़ द राइट आंसर कोमल कोहर इज़ द करेक्ट ठीक है चलिए चौदह जनवरी अभी नहीं अभी टाइम है काफ़ी अभी तो क्या चल रहा है नवंबर चल रहा है दिसंबर चौदह जनवरी जनवरी की बात कर रहा हूँ फोर्टीन जनवरी यहाँ से वन ट्वेंटी फाइव की फ्लाइट है एक बज के पच्चीस मिनट की तीन सवा तीन बजे पहुँच जाऊँगा कानपुर राइट तीन सवा तीन बजे के आसपास ठीक है चलो फिर आपका विच कंट्री है अचीव द हाइएस्ट मेडिकल इन्फ्लेशन रेट अमंग ऑल एशियन कंट्रीज इन दो हज़ार इक्कीस तो यहाँ पे किस देश ने 2021 में सभी एशियाई देशों में उच्चतम चिकित्सा मुद्रास्फीति दर हासिल की है तो चाइना इंडोनेशिया भारत थाईलैंड चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका इंडिया हो जाएगा राइट इंडिया यानी कि भारत इज द राइट आंसर क्लियर अजीत जी कभी आएंगे लखनऊ तो जरूर मिलेंगे आपसे आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय में से किसने 12 मई 2022 को फिल्मबेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की है चलिए बढ़िया ठीक है क्या खिलाएंगे रसमलाई खिलाएंगे किसका नाम ले लिया तुमने सुबह सुबह रसमलाई सबसे अच्छी मिठाई होती है वो तो आंसर क्या हो जाएगा भारत टैप पहल की शुरुआत जो की है वो किसने की है हरदीप सिंह पुरी इसका जवाब हो जाएगा राइट हरदीप सिंह पुरी ने भारत टैप की क्या की है शुरुआत की है ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं भारत टैप अगला प्रातः आठवीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया जो वसुता चीन के की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी तो आठवीं जो ब्रिक्स समिट अगर ये भी पूछा जा सकता है कि आठवीं ब्रिक्स समिट जो है वो किसने आयोजित किया तो उसको चाइना ने किया ये भी पूछा जा सकता है इसके अलावा इसको किसने यहाँ पर पहुंचे थे ब्रिक्स में तो पहुंचे हमारे कौन भूपेंद्र यादव जी पहुंचे थे ठीक है इन्होंने भाग लिया था ब्रिक्स में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर चला बताइए हाँ ये बात मिनल एकदम सही बोलिए लखनऊ लखनऊ बोल रहे थे बच्चे लखनऊ मिलेंगे लखनऊ मिलेंगे लखनऊ बोलेंगे मैं चार घंटा बैठा रहा वहीं पे <laughs> खैर दोस्त दोस्त लोग आए हुए थे कुछ तो वहाँ बैठा मैं ठीक है कोई आया कोई नहीं आया भाई आगे बढ़ते हैं विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो वो हैज बिन मेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी हो जाएगा है इसका हो जा आगे इसको हटा देते हैं अप्रैल है अप्रैल 2022 तो में किस दिन को महावीर जयंती मनाती महावीर जयंती मनाया जाता है आपको 14 अप्रैल को मनाया जाता है इसी के साथ यहाँ पर अप्रैल 2022 में किसने और यूनिसेफ ने साइन किया एमओयू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर चिल्ड्रन पर फोकस करने के लिए राइट तो चिल्ड्रन पर फोकस करने के लिए यूनिसेफ और हमारे डब्ल्यू ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने समझौता समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए कि यू पर साइन किए हैं दोनों मिलकर चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करेंगे संरक्षण करेंगे राइट अगला देखते हैं यहाँ से अट्ठाईस अप्रैल दो को किस केंद्रीय मंत्री ने नब्बे दिवसीय नब्बे दिवसीय मतलब नाइनटी डेज का अभियान आजादी से क्या किया है अंत्योदय तक शुरू किया है तो नारायण राणे गिरिराज सिंह अश्विनी वैष्णव या फिर नितिन गडकरी क्या जवाब होगा इसका तो आंसर जाएगा आंसर कौन सा गिरिराज सिंह ठीक है इसके अलावा एक मंत्री है जिन्होंने पांच मई दो को इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोर कॉन्क्लब दो का उद्घाटन किया है तो पांच मई दो को इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉन्क्लब का जो उद्घाटन किया है वो कौन हो जाएंगे हमारे वो जाएंगे बेटा हमारे कौन से नारायण राणे इज द राइट आंसर प्रातः श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे वो बाद में फिर हट भी गए चलिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया कौन हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे दिनेश आपके दिनेश गोड़वर्धने दिनेश गोड़वर्धने इज द राइट ठीक है स्पीड थोड़ी बढ़ा रहे हैं हम लोग ताकि हो नहीं पाए क्वेश्चन बहुत सारे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां से क्या आता है कि हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है तो वेन इज द एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर तो एंटी टेररिज्म डे जो है कब है कब मनाया जाता इसको नोट करेंगे हमारा 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किया और भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ करने वाले हो जाएंगे अनुप्रिया पटेल अगला नई शिक्षा नीति एन ईपी की जांच के लिए दस सदस्य का गठन समिति गठन किया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सही से चल रही नहीं चल रही है और वो ऐसा करने वाली स्टेट जो है आपकी कौन सी हो जाएगी चलो बताओ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एन बनाई गई थी और ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल ठीक है पश्चिम बंगाल क्लियर हम आज भी जिस एजुकेशन पॉलिसी पे चल रहे हैं ना वो एजुकेशन पॉलिसी अंग्रेजों की दी हुई है हमारी शिक्षा का पूरा आधार किसका दिया गया है अंग्रेजों का दिया हुआ है जो अभी चल रहा है वैसे तो गुरुकुल गुरकुल वगैरह जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुआ करती थी तो अभी जो चल रहा है वो अंग्रेजों का है ठीक है ये जो फिफ्थ तक आपका ये लैंग्वेज एट्थ फिर टेंथ फिर ट्वेल्थ फिर ग्रेजुएशन तीन साल की चार साल की ये सब ये सब ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है राइट आगे बढ़ते हैं आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति ने किसको एक अप्रैल दो से इकतीस मार्च दो जार तक जारी रखने की मंजूरी दी है यहाँ पर तो यहाँ पर जाएंगे वो कौन आपके राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हो जाएंगे इसके अलावा अप्रैल 2022 को खेलो इंडिया में एक जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है कौन सा बेटा आपका टू यानी कि विष्णुपुर और हो जाएगा कौन सा बेटा आपका चूरू विष्णुपुर एंड द दूरू क्लियर आगे बढ़ेंगे अगला सेमी कंडेक्टर उत्पादन को बढ़ाने के लिए सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन दो का उद्घाटन किया गया है तो सेमी कॉन इंडिया दो का जो उद्घाटन किया गया है वो जाएंगे हमारे कौन नरेंद्र मोदी ठीक है फिर मंत्रियों से किसने मई 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है तो सबसे बड़ी दुनिया की पहली फिल्म बहाली परियोजना जो शुरू की है वो किसने की आपकी ये हो जाएगा हमारा अनुराग ठाकुर ठीक है आगे मई 2022 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है तो मई दो में यहाँ देखेंगे ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया है ठीक है सफलतापूर्वक इसकी यूनिट भी बनाई गई है जगह जगह पर इसको उत्पादन करने के लिए आगे दो में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम छोड़ दीजिए इसको फ्रेंच रिवर फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है तो फ्रेंच आपका फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें बॉल, एक बॉलीवुड अभिनेता को क्या दिया गया है एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है और वो कौन हो जाएंगे सिद्दीकी साहब राजकुमार राव आयुष्मान खुराना ठीक है ऊपर ऊपर के ये तीन एक्टर हैं और ये एक्टर हैं ठीक है सिद्दीकी या फिर आपका हो जाएंगे कौन से सलमान खान आंसर हो जाएंगे कौन बेटा आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी मतलब बाकी गजब एक्टिंग करते हैं ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी राइट बहुत छोटे छोटे रोल किए भाई इन्होंने बहुत छोटे छोटे दस दस सेकंड के रोल किए हैं आप देखोगे एक मूवी है सरफरोश सरफरोश मूवी जानते हैं देखी किसी ने सरफरोश सरपरोज आमिर खान और वो सोनाली बेंद्रे वाली मूवी जो है राइट और ठीक है इसमें सारी नहीं है वो सारी गए चलो कोई मजनू हुए कोई फरियाद हुए हाँ और ना जाने इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में कितने बर्बाद हुए तो वो वो सरपोज मूवी में एक जगह पड़ती है जब दो मुजरमों को पकड़ के लाया जाता है आमिर खान उसके थप्पड़ मारते हैं बस यही सीन था एक बस तो वो सीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया हुआ है इससे पहले भी क्लियर आगे बढ़ेंगे फिर आता है दो में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले के फोर के मुकाबले वित्त वर्ष दो के लिए भारत की मुद्रा स्पीति के लिए कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया है तो अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो 4.5 था और 2023 में कितना जाएगा तो ये आ जाएगा आपका आपका आंसर कौन सा 5.7 तो आरबीआई ने पहले ही बता दिया है कि अभी जो आपका इन्फ्लेशन है वो जो अभी चल रहा है वो चल रहा है अगले साल कितना होगा फाइव होगा ठीक है वेरी गुड आगे बढ़ते हैं फिर किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है किस दिन को विश्व कला के दिवस, दिवस के रूप में मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द पंद्रह अप्रैल ठीक अगला प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो थे इक्कीस अप्रैल दो को ब्रिटिश उपकरण निर्माता जे की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है तो जे की उत्पादन इकाई का उद्घाटन जो किया गया है वो किया है कहाँ पर उन्होंने गुजरात फिर से आंसर क्या हो जाएगा इसका गुजरात हो जाएगा राइट तो गुजरात हो गया गुजरात में काफी कुछ हो रहा है जे ठीक एक बार क्या हुआ था तो 2019 की बात है जे सी की खुदाई वायरल हुई थी दो हजार मतलब आप, आप डालोगे यूट्यूब पर जे सी बी की खुदाई डालना ऐसे करके डालना गूगल सो गूगल नहीं मतलब आई पे डालना यूट्यू पे डालना मिलियंस में व्यूज़ हैं मिलियंस में सच बता रहा हूँ मिलियंस में मतलब उसमें क्या ही देख रहे हैं लोग जैसी भी कुछ नहीं कर रही है वो मतलब बस आप रोड को खोद रही है या फिर वो नाली बना रही है या कुछ कर रही है जे सी बी की खुदाई सच बता रहा हूँ आप डालिएगा यूट्यूब पर देखिएगा कितने मिलियंस मिलियंस व्यूज आते हैं उस पर ठीक आगे फिर इसका मतलब ये है कि मतलब कितने लोग कितने लोग भाई कितने मतलब सीखना नहीं है कितने खलियर लोग हैं भाई उन्हें मज़ा आ रहा है और कितने डिस्ट्रक्टिव लोग हैं कि, किसी घर टूट रहा है किसी का रोड टूट रहा है कुछ भी हो रहा है तो वो उसको देख रहे हैं देख रहे हैं जे सी बी की खुदाई में रुकी मैं देख लेता हूँ दो की कहानी है ये वन मिलियन व्यूज़ वन पॉइंट साल पहले की बात है ये हाँ बोई वाला वीडियो है ये और 1.2 मिलियन व्यूज़ है दूसरा एक वीडियो है वो उसमें पाँच सौ चौरासी हजार व्यूज़ हैं फाइव एटी फोर के और एक पे वन पॉइंट टू मिलियन है देख रहे हैं सॉरी 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 और अड़तालीस मिलियन है सॉरी अड़तालीस मिलियन फोर्टी एट मिलियन है एक पे फोर्टी एट मिलियन व्यूज़ हैं तैंतालीस मिलियन व्यूज़ हैं एक जैसे ही पेड़ उखाड़ रही है फोर्टी थ्री मिलियन राइट फोर्टी टू मिलियन भाई साहब तीन सौ नब्बे मिलियन व्यूज़ छोटू की जेसीबी की खुदाई वाह भाई खैर मैं तो ये बहुत आगे निकल गए भाई ये चलो आगे बढ़ते हैं तो अप्रैल 2022 में 390 मिलियन बहुत होता है 390 मिलियन मतलब थोड़े दिनों के बाद ये वन बिलियन का वीडियो बन जाएगा जो कि कुछ गाने अभी इंडिया के रिसेंटली कुछ गाने पहुंचे हैं वन बिलियन की कैटेगरी में तीन मिलियन तो कुछ अच्छे गानों का वो नहीं है मतलब व्यूज आंसर आता है आपको कौन सा बेटा देखेंगे यहाँ पर तो दो में एक सुरंग है जिसका नाम है हमारा कौन सा अटल टनल आज इसको इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की तरफ से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है ठीक है <laughs> आगे फिर भारतीय वायुसेना के महानिदेशक और निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में देखो लोग जब जैसे भी खुदाई देख ले रहे हैं तुम्हें क्या लगता है फिर ये इंस्टाग्राम के रील्स नहीं देखेंगे देखेंगे और जो डांस वांस होते हैं उनको उनको भी देखेंगे इसी वजह से भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा आपका एयर मार्शल संजीव कपूर ठीक है एयर मार्स्टर संजीव कपूर चलिए अगला आता है यहां से कि 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यहां पर आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी अनिल अंबानी गौतम अडानी या फिर संजीव बजाज आंसर होगा इसका बेटा कौन सा संजीव बजाज इज द राइट आंसर ठीक है संजीव बजाज क्लियर और अभी तो एक वो गाना वायरल चल रहा है पाकिस्तान वाला हाँ दिल के मुसाफिर आजा वो नागिन मूवी है और नागिन मूवी बुकअप की है नाइनटीन शायद कुछ नाइनटीन सिक्सटी की या उन्नीस सौ छियासठ की मूवी है नागिन मूवी का गाना है राइट वो काफ़ी वीडियो वायरल चल रहा है चलो इसके आगे देखते हैं कि बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज टूर्नामेंट मई दो में किस शहर में आयोजित किया गया है खुलना चेटोग्राम ढाका सिलहट तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्बाज़ी टूर्नामेंट आपका मई 2022 में यहाँ पर देखेंगे ढाका में आयोजित किया गया था जो कि बांग्लादेश में पड़ेगा ढाका जिंदा बांग्ला देश ठीक है आगे बढ़ेंगे किसे जे एस डब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म का सीईओ बनाया गया है तो जे एस डब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म का सीईओ बनाया गया किसको गौरव सचदेव सचदेवा विनायक जैन प्रमोद परमार या फिर विजय कामठे चलिए आगे बढ़ेंगे तो आंसर जाएगा कौन सा बेटा गौरव सचदेवा इज द राइट आंसर क्लियर आगे देखना अप्रैल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट किस पर अपरिवर्तित रखा है 4% 4.25% 4.50% 4.75% बताओ तो अप्रैल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है कितना ये हो जाएगा 4% अच्छा हाल ही में मूडी ने मूडी ने अभी हाल ही में जो रेट आपका जी आप थी जी डी पहले बताई थी लास्ट ईयर कि सेवन जाएगी लेकिन अभी उसने क्या कर दिया है सेवन कर दिया है कितना कर दिया सेवन कर दिया ये भी याद रखना तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट किया उसने पॉइंट फाइव का नीचे गिरा दिया इंडिया की जीडीपी ठीक चलो आगे बढ़ते हैं हाँ कौन सा देश भारत से एक मिलियन टन गेहूं को क्या करता है आयात करना चाह रहा था और अप्रैल 2022 में उसने दो लाख चालीस हजार टन की आवश्यकता होगी तो एक मिलियन टन जो गेहूं मंगा रहा इंडिया से वो है इजिप्त ठीक है फिर देखते हैं आपके आगे कि चलो इसको हटा दो भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण जिसको ए इंडिया मतलब, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गगन जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करके सफलतापूर्वक उड़ान का क्या किया परीक्षण किया है किसने बेटा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस जगह से आंसर हो जाएगा कर्नाटक ठीक फिर आता है कि राष्ट्रपति ज्ञानी जयल सिंह की जयंती के रूप में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दीजिए चलो लॉजिस्टिक में विदेशों के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु तो, युवाओं के लिए किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो स्थापित किया जाएगा इन विच सिटी <coughs> तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा अहमदाबाद वाराणसी पणजी गांधीनगर चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कर्नाटक गांधीनगर आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी ठीक है आगे देखते हैं फिर अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्वी पुरस्कार 2022 किसने जीता है तो ई कोल्वी अवार्ड 2022 किसने जीता है अल्बर्ट बोला अर्दिशेर वीके दुबास डाइवेडो फ्रांसिस केरे वेल्सी मॉर्गन किसने जीता है वो जाएंगे हमारे कौन बेटा वेल्सली मॉर्गन ठीक है अगला मई 2022 के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती के रूप में चिन्हित किया गया किसको को एक ये ये थोड़ा सा हटा दीजिए ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा जोर मत दिया कर जब एक साल का पढ़ रहे हैं आप तो ठीक है ये अच्छा है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में डोपिंग उल्मन के लिए यूनेस्को कोष में भारत का कितना योगदान जारी किया है फिर आप लोग पूछेंगे सर हटाना था तो ये क्वेश्चन लेके क्यों आए लेके आने की रीजन ये है कि मैं आपको यहाँ पर यह भी दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें या जो भी मैगजीन बुक जो भी पढ़ें कैसा कंटेंट आपको छोड़ना है कैसा कंटेंट आपको रखना है क्योंकि ये कंटेंट भी मार्केट में है क्योंकि उसके भी खरीदार हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट से भी कभी सवाल बनते हैं इस वजह से भी डाला जाता है तो अब वो जो आपके एग्जाम की जरूरत नहीं है उसके अकॉर्डिंग उसको छोड़ दिया करो ठीक है चलो तो इन इनस्कोप कोर्स में भारत का जो हिस्सा योगदान रहा है वो कितना है बहत्तर हज़ार एक सौ चौबीस डॉलर ठीक है आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है अब देखो ये सवाल हिमाचल वालों के लिए तो अच्छा है लेकिन अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं एस एस सी कर रहे हैं तो इसका मतलब ही नहीं कुछ पढ़ने का ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर आप आता है कि अप्रैल दो हज़ार बाईस में नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट टू पॉइंट का आयोजन किया गया ये सबके लिए है ये नेशनल न्यूज़ है तो डेफ कनेक्ट टू पॉइंट का जो आयोजन किया गया है वो जाएगा हमारा कौन सा बेटा डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलेंगे आई डेक्स डी आई ओ आई डेक्स डी आई ओ ठीक है नेक्स्ट क्लास मेरी बेटा याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास चलेगी अभी तो खैर मैराथन चलेगी अभी नौ से ग्यारह हिमांशु की क्लास है फिर ग्यारह से एक क्लास है फिर बाद में और क्लासें भी हैं यहाँ पर लेकिन हमारी क्लास जो एक मैराथन है रात को कितने बजे से पाँच बजे से आई थिंक ग्यारह बजे तक पाँच से ग्यारह है क्लास राइट पाँच से ग्यारह और ये पाँच से ग्यारह की क्लास में देखेंगे यहाँ पर पाँच से आठ जो है मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को और आठ से जो ग्यारह है ना वो कौन पढ़ाएगा वो आपको दिग्विजय सर पढ़ाएंगे तो ये करीब छः घंटे की मैराथन है आज, आज पाँच बजे से ग्यारह बजे तक डेटा बचा के रखिएगा बूस्टर बूस्टर ले लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ खत्म करना है ठीक है तो ये आपको क्लास हमको ख़त्म करनी पड़ेगी यहीं पर ठीक है बेटा चलो इसी के साथ मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा ठीक है बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप मेरा ये है ए पी सर टेक्सट बुक के नाम से है इसको ज्वाइन कर लेंगे ठीक है अगर आपको जाना है टेलीग्राम पर तो आप मेरे उस पर जा सकते हैं यूट्यूब से भी जा सकते हैं ठीक है चलो फिर मिलते हैं तब तो तक के लिए गुड बाय टाटा टेक केयर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है क्लास की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको सुपर कोचिंग का एक्सेस करना है मिलेंगे हम लोग कितने बजे पाँच बजे तब तक के लिए गुड बाय टाटा टेक केयर बाय बाय